वेलकम टू माई YouTube चैनल मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। बच्चों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और बच्चों इस बार वन शॉट को थोड़ा स्किप करके मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे। बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप वन शॉट अपडेट नहीं करके सर थोड़ा पहले आप सैम्पल पेपर अपडेट कर दीजिए, ताकि हमें क्या है कुछ मिक्स क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। कुछ बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे इसलिए भी बोल रहे हैं। और वैसे भी मुझे क्या है सैम्पल पेपर तो भाइयों आपके लिए अपलोड करने ही थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपके लिए सारे चैप्टर्स के वन शॉट अपडेट कर दूँ। पर कोई ना बेटा, आपकी चॉइस पर ही काम होगा। जिन चैप्टर्स के वन शॉट में अपडेट कर चुका हूँ वो आपको देखने हैं और एकदम अच्छे से बेटा सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैंने वन शॉट में करवाए हैं ना, उनके आने की प्रोबेबिलिटी तो आप बिल्कुल ये मान के चलना कि 100% प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए बेटा, अब आप समझदार कितने हैं ये आपको सोचना है। अब अपन सैम्पल पेपर के बारे में बात करते हैं मेरे भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपको आपका जो टर्म टू का जो मैथ्स का सैम्पल पेपर आएगा इसका पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूँ। कुछ बच्चों को तो पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता कि भैया होने वाला क्या है। कई सारे बच्चे क्या है कि पेपर पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो मेरे भाइयों पहली बात तो वही जो हमारे साथ टर्म वन में हुआ था, मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे दोस्तों, मैक्सिमम हमारे पास क्या रहेगा 40 मार्क्स का पेपर रहेगा दोस्तों। और 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन रहेंगे यहाँ पर? 3 सेक्शन रहेंगे बच्चों। सेक्शन जो हैं वो 3 हैं। एक तो सेक्शन ए है, एक मेरे भाइयों यहाँ पर आपके पास सेक्शन बी है, और एक मेरे दोस्तों आपके पास यहाँ पे सेक्शन सी है। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन ए है इसके अंदर दोस्तों 6 क्वेश्चन रहेंगे। हमारे पास 3 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है इसके अंदर 6 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स है। इसका मतलब सेक्शन ए की वैल्यू क्या रहेगी? 6 × 2 12 मार्क्स का मेरा सेक्शन ए रहेगा। ठीक है भैया, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ मेरे भाइयों किसके तरफ? सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में मेरे भाइयों 4 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान देना, सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 2 मार्क्स। तो सेक्शन ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 12 मार्क्स की। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन आएगा दोस्तों 3 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा, तो सेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 3 = 12। मतलब सेक्शन ए भी 12 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 12 मार्क्स का है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं और 2-2 नंबर के हैं, वहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है मेरे भाइयों और 3-3 मार्क का है। अब इसके बाद नंबर आया मेरे भाइयों हमारे पास सेक्शन सी का। सेक्शन सी में भी मेरे पास 4 क्वेश्चन है, तो आपने देखा बेटा यहाँ पर 12 मार्क्स का ये हो गया, 12 मार्क्स का ये हो गया, तो 24 मार्क्स तो ये हो ही गए। तो बेटा अब डेफिनेटली हमारे पास जो लास्ट हमारा जो सेक्शन सी बच रहा है, ये पता लगी क्या होगा आपको कि यहाँ पे ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। तो कितनी बढ़िया सीक्वेंस है मेरे भाइयों, 2 नंबर का सेक्शन है, 3 नंबर का सेक्शन बी और 4 नंबर का सेक्शन सी। ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, तो 4 × 4 = 16 मार्क्स का आपका ये वाला सेक्शन रहेगा। तो बेटा 24 ये, 16 ये, मतलब 40 नंबर का 40 मार्क्स का हमारा मैक्सिमम पेपर रहेगा। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास कहानी होने वाली है वो कहानी ये है कि यहाँ पे हमें चॉइस गिवन है बेटा, हमें यहाँ पर चॉइस गिवन रहेगी किसके अंदर? सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए में हमारे साथ ऐसा होगा मेरे भाइयों, 2 इंटरनल चॉइस गिवन होगी हमारे को। यहाँ पर चॉइस गिवन होगी, इंटरनल चॉइस जो है वो आपको गिवन होगी, मतलब आपके पास और वाला क्वेश्चन आएगा। आपके पास सेक्शन ए में इस तरह से रहेगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो उसमें और पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा रहेगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, फिर और करके एक और क्वेश्चन लिखा रहेगा, मतलब आपके पास चॉइस रहेगी। ऐसे आपके पास यहाँ पे 2 रहेंगे बेटा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें आपको चॉइस प्रोवाइड करी जाएगी मेरे भाइयों। और सेक्शन बी में आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे इंटरनल चॉइस कितनी बेटा? 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इंटरनल चॉइस मिलेगी। और यहाँ पे मेरे भाइयों आपको 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब आपको उन दोनों में से जो भी बेटर लग रहा हो, जैसे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, 7, 8, 9, 10। सपोज क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको
एक तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ होगा, एक और करके नीचे की तरफ लिखा हुआ होगा, जो आपको बेटर आता है आप वो काम करिए। पूरा पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे भाइयों, इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे से देख लेना और सारी चीज़ें समझ लेना, क्योंकि कोई भी इतनी बात कहने नहीं आएगा आप लोगों को पैटर्न को लेके, क्योंकि पैटर्न समझ में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इस पूरे पैटर्न को अच्छे से समझो और कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद मेरे भाइयों सेक्शन सी आया, तो सेक्शन सी के अंदर जो कहानी हमारे पास है यहाँ पे, उसमें भी बेटा हमारे को एक इंटरनल चॉइस जो है वो रहेगी, और यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड वाला आपका प्रोग्राम रहेगा। तो दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, केस स्टडी वाले। एक क्वेश्चन तो आपको इंटरनल चॉइस का मिलेगा बेटा यहाँ पे, जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन यहाँ पे जाएंगे, 4 यहाँ पे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 14 क्वेश्चन आएंगे, 6 यहाँ से 4 यहाँ से, 6 और 4 10, 10 और 4 14। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको गिवन होगा उसमें आपको चॉइस गिवन होगी, जैसे यहाँ पे चॉइस गिवन थी वैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बच्चों चॉइस गिवन होगी। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों केस स्टडी बेस्ड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ये दोनों केस स्टडी बेस्ड आएंगे, केस स्टडी बेस्ड, जैसा हमने टर्म वन में भी देखा था, केस स्टडी बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जनरली इस तरीके का जो क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, वो या तो आपको देखने को मिलेगा स्टेटिस्टिक्स का आ जाएगा, या हो सकता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए, या हो सकता है आपके पास एपी का आ जाए। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर ट्रेंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन तीनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो पार्ट आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आपका केस स्टडी वाला है, तो उसके अंदर पार्ट 1 आएगा और पार्ट 2 आएगा, इस तरह से आएगा, पार्ट 1 के भी 2 मार्क्स, पार्ट 2 के भी 2 मार्क्स, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है ना बेटा। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा वो भी मेरे भाइयों आपके पास क्या आएगा, केस स्टडी बेस्ड आएगा, और उसमें भी इसी तरह से आपको 2 पार्ट्स गिवन होंगे। तो बेटा ये तो हो गई मेरी कहानी, मैंने आपको पैटर्न पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। तो भाइयों सेक्शन ए चालू कर रहा हूँ, सेक्शन ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसी को मैं आपके लिए लेके आया मेरे मित्रों। तो सेक्शन ए का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, बात चल रही है भाइयों भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे तैयार है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 - A15। A25 देखिए भैया, मैंने सारे वन शॉट अपडेट कर रखे हैं, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो A25 का मतलब इसे समझ में आना चाहिए कि 25th टर्म के बारे में बात चल रही है, एपी का क्वेश्चन है। A25 - A15, 25th टर्म में से 15th टर्म को माइनस करना है, ठीक है। फॉर द एपी जो एपी है भाइयों वो क्या दे रखी है, 6, 9, 12, 15 ... ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मेरे भाइयों, और मुझसे कहा जा रहा है कि भैया A25 - A15 की मुझे वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A25 का मतलब आप सभी जानते हैं 25th टर्म, शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है A+24D। उसके बाद आ जाइए आप A15 पे, A15 का मतलब होता है 15th टर्म, और इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है A+14D। एक बार डी कम कर देते हैं, आपको पता ही बेटा ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो ए और डी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी बच्चों 6 है, और डी की वैल्यू कितनी है 9 - 6 = 3। ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 3 है। इन दोनों को क्या करना है भाइयों, माइनस करना है। क्वेश्चन में बोला गया A25 - A15 फाइंड आउट करना है, तो करते हैं A+24D में से माइनस करना है इस वैल्यू को। तो बेटा दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का ए माइनस का 14D, ए से ए की ज़िंदगी ख़राब, 24D में से बेटा 14D जाएगा, तो आप जानते हैं कितना बचेगा भाइयों 10D। 24 में से अगर 14 जाएगा तो मैं जानता हूँ 10D बचेगा, और भैया 10 को मल्टीप्लाई करना है D से। D की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों, D की वैल्यू दे रखी है मैंने मेरे मित्रों 3, तो 10 × 3 = 30। तो A25 - A15 का आंसर कितना आ गया मेरे भाइयों, इसका आंसर आ चुका है मेरे पास कितना 30। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है
इसमें कहानी मेरी ख़त्म हुई। इसी क्वेश्चन में मुझे एक और चॉइस दे रखी है। देखिए, अगर मुझे ये आता है ना तो मैं ये इमिडिएटली करना स्टार्ट करूँगा। मुझे लगता है कि इससे सिंपल चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप भी मेरी जगह होंगे तो आप पहले इसी को हिट करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मुझे एक इंटरनल चॉइस गिवन है। मैंने आपसे कहा था कि इंटरनल चॉइस आपके पास रहेगी। यहाँ पे बेटा दो क्वेश्चन आएंगे, कह दिया था मैंने आपको ऑलरेडी। सेक्शन ए में दो क्वेश्चन आएंगे जिनमें इंटरनल चॉइस गिवन होगी। अब पहले ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है मेरे पास, तो इसकी जो इंटरनल चॉइस है ओर करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाइयों, वो ओर वाला पार्ट मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है इफ़ सेवन टाइम्स द सेवन्थ टर्म। क्वेश्चन लिख देता हूँ, कई सारे मेरे भाइयों को लिखे बिना बात समझ में नहीं आती। इफ़ सेवन टाइम्स द सेवन्थ टर्म ऑफ ए पी ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू फाइव टाइम्स इट्स फिफ्थ टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स फाइंड ट्वेल्थ टर्म। शॉर्ट में लिख देते हैं फाइंड इट्स ट्वेल्थ टर्म। इस एपी की ट्वेल्थ टर्म निकालनी है। भैया मुझे नहीं पता कि भैया ये एपी कौन सी, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी एपी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो भैया जो भी एपी चल रही है उसके फर्स्ट टर्म को मैंने क्या बोल दिया, ए। कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या बोल दिया भैया, डी। सेवन टाइम्स द सेवन्थ टर्म, सेवन टाइम्स मतलब सेवन से मल्टीप्लाई करना है किसको, सेवन्थ टर्म को। तो कैसे लिखूंगा, सेवन मल्टीप्लाई बाय ए सेवन, सेवन टाइम्स सेवन्थ टर्म इक्वल टू तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और क्या करें, फाइव टाइम्स फिफ्थ टर्म फाइव ए फाइव, तो बेटा सेवन टाइम्स ए सेवन। ए सेवन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया था, ए सेवन, तो इसका आंसर ए प्लस सिक्स डी। लेकिन मल्टीप्लाई में सेवन चल रहा है तो सेवन को यहाँ रहने देंगे, डब्बे में लिखेंगे बेटा ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू फाइव टाइम्स फिफ्थ टर्म फाइव, और डब्बे में ए फाइव, ए फाइव का मतलब ए प्लस फोर डी, ये लिख दिया मैंने मेरे मित्रों। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेवन इंटू ए सेवन है, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, फोर्टी टू डी इक्वल टू फाइव इंटू ए फाइव ए प्लस फाइव फोर जा ट्वेंटी डी, ये आ गया बेटा मल्टीप्लाई करने पे। ए को इधर रख लो, डी को उधर पहुंचा दो, ए की कहानी एक साथ, डी की कहानी एक साथ, ए की कहानी एक साथ, तो सेवन ए में से फाइव ए जाएगा बच्चों, टू ए बचेगा, इक्वल टू लिखा उधर ट्वेंटी डी में से फोर्टी टू डी को माइनस करना है, ट्वेंटी डी उधर है, फोर्टी टू उधर जाएगा, तो भाइयों ट्वेंटी में से माइनस करना है किसको, फोर्टी टू का, तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ अगर मैं 20 में से 42 को माइनस करूँगा तो माइनस का 22 आएगा, माइनस का 22 और पीछे डी लगा दूंगा, तो 2a इक्वल टू माइनस का 22 डी। इधर 2a बेटा 2 से 22 11 बार कट कर देते हैं, a की वैल्यू माइनस 11 डी, a की वैल्यू मुझे पता लग गई बेटा d की फॉर्म में, a की वैल्यू आ गई माइनस 11 डी, तो a की वैल्यू पता लग गई मुझे मेरे दोस्तों माइनस 11 डी। ठीक है भैया, ए की वैल्यू अगर मुझे पता लग गई माइनस 11 डी, तो अब मेरा काम होने वाला है, मुझे निकालना है ट्वेल्थ टर्म। ट्वेल्थ टर्म का मतलब होता है बच्चों ए ट्वेल्व, और ए ट्वेल्व का आंसर होता है ए प्लस 11 डी। ट्वेल्थ टर्म मतलब ए ट्वेल्व, और क्या लिखूंगा, ए प्लस 11 डी, तो वैल्यू पुट करता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 11 डी, ए की जगह मैंने रखा माइनस 11 डी, प्लस में चल रहा है 11 डी, बेटा कितना मज़ेदार काम हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई, माइनस 11 डी से प्लस 11 डी की ज़िंदगी ख़राब हो गई, आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब इस ए पी की जो ट्वेल्थ टर्म है, ए ट्वेल्व इज़ ज़ीरो, तो ट्वेल्थ टर्म जो है वो ज़ीरो आ चुकी है मेरे भाइयों। अब इसी सिक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते हुए बेटा अपन लेते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर टू पर बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में दो कॉन्सेप्ट था आपके पास, चॉइस थी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर वन में इंटरनल चॉइस थी, हो गया आपका काम। अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी भाई, और कहा जा रहा है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ एम सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दे रखी है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ एम सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स, डब्बे में फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो हैज टू इक्वल रूट, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, हैज़ टू इक्वल रूट्स। हमें बताना है बच्चों
कि m की वैल्यू क्या होगी, फाइंड वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू बतानी है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट हैं। तो भैया पहले तो यही नहीं दिख रहा कि ये क्वाड्रेटिक है भी कि नहीं है, क्वाड्रेटिक तो ये बोल रहा है, क्वाड्रेटिक तो ये बोल रहा है इक्वेशन में, मुझे तो क्वाड्रेटिक नज़र ही नहीं आ रही है। तो क्या करूँ, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक बनाऊँ, मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि हमेशा याद रखना जब तक क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा ना, क्वाड्रेटिक अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एम एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, फाइव से, फाइव एक्स पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, फाइव एम एक्स स्क्वायर, पहले फाइव एम फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 6 को किससे करना है, mx से, माइनस 6 mx इक्वल टू 0। अब मुझे पता लग गया है यहाँ पे कि भैया जैसे ही मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये क्वाड्रेटिक क्या आ चुकी है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये आपकी एक्स वाली टर्म। अब क्या कहा गया है, रूट इक्वल है। भैया रूट इक्वल है तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी, रूट के बारे में बात चल रही है मतलब भेजे में ये चीज़ आ जानी चाहिए डी, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है डी वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। और डी क्या होता है बच्चों, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये किसके इक्वल आएगा, ये जीरो के इक्वल आएगा। पहली बात तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि भैया रूट इक्वल है, रूट इक्वल मतलब d इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब b क्या होता है बेटा, x का जो कोफिशियंट है वो b होता है। तो पहले एक काम करते हैं, a b c की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का कोफिशियंट a होता है, a की वैल्यू कितनी, 5m। ठीक है भैया, b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशियंट जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, b होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 6m। b की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 6m। और c मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, वो यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो कांस्टेंट टर्म अगर यहाँ पे नहीं है, हाँ कांस्टेंट टर्म हमारे क्वेश्चन में नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है बेटा। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। तो बेटा ये तो कितना आसान बन गया, देखिए अब आप, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए इंटू सी, सी तो जीरो ही है बेटा, अगर सी जीरो है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, अगर सी जीरो है तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर जो भी है ना वो जीरो के इक्वल आएगा, बी स्क्वायर जो भी है वो जीरो के इक्वल आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सी की जगह जीरो पुट करूँगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये मिला मुझे यहाँ से। बी कितना है बच्चों, बी है माइनस का 6m, तो मैं लिखूँगा माइनस का 6m उसका स्क्वायर, और इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा बेटा, इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूँगा जीरो। माइनस 6m का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 36m स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब बेटा अगर आप जानते हैं एम स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 36 जीरो के अपोन में जाएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। एम स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो है तो डेफिनेटली एम की वैल्यू भी कितनी आएगी, जीरो। तो एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है बेटा, जीरो। इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट मुझे क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, तो एम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एम की वैल्यू मेरे भाइयों जीरो आनी चाहिए। ये हो गई हमारी कहानी खत्म, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यार बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये यहाँ पे सैम्पल पेपर में भी है, और मैंने आपको ये क्वेश्चन अपने वन शॉट में भी करवाया बेटा। तो अगर आपने मेरा सर्कल चैप्टर का वन शॉट देखा होगा तो आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ जाएगी। कहा जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, इफ OP इक्वल टू 2R, OP जो है वो 2R है, 2R मतलब डायमीटर के बराबर है, क्योंकि R अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस के बारे में बात करेंगे। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इफ OP इक्वल टू 2R देन फाइंड एंगल APB, एंगल APB फाइंड करना है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, व्हाट टाइप ऑफ, चलो ये बात भी मर्ज कर दी, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज
APB, ये जो APB बनेगा ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपके लिए भाइयों फिगर बना देता हूँ। ये बनाया हमने सर्कल, और एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेटा थोड़ा सा आप देखना, ये रहा पहला टेंजेंट, ये रहा दूसरा टेंजेंट। ये भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है। यहाँ से एक तो टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने मेरे मित्रों PA, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने PB, दिख रहा होगा आपको। एक तो टेंजेंट ड्रॉ किया PA, एक टेंजेंट ड्रॉ किया मेरे भाइयों मैंने PB, और ये हमारे सर्कल का सेंटर है O। फ्रॉम अ पॉइंट P, टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। पूरा आपके सामने फिगर बना के दिखाया है। इफ़ OP इक्वल टू 2R, OP कब बनेगा भाइयों, जब O को P से मिलाएंगे। तो जैसे मैंने O को P से मिलाया वो 2R के बराबर है, और यहाँ पे R क्या है, R आपके सर्कल की रेडियस है। कब बनेगी, जैसे ही आप O को A से मिलाएंगे, ये R बन गया। और अगर आप O को B से मिलाएंगे तो भी बेटा आपको R ही मिलेगा, क्योंकि सेंटर को कहीं पे भी ज्वाइन करिए बाउंड्री पे रेडियस मिलेगी। ये हो गया। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एंगल APB, एंगल APB ये फाइंड आउट करना है, और इस ट्राइंगल का नाम बताना है APB का। तो A को B से मिलाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ट्राइंगल बनेगा APB। तो मुझे बताना है बच्चों, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पे APB, ये APB ट्राइंगल जो है इसका नाम क्या है। नाम से मतलब आपको बताना है कि ये स्केलेन है, ये आइसोसेलियस है, ये इक्विलेटरल है, या फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो APB ट्राइंगल का नाम बताना है। OP मेरे पास कितना है दोस्तों, OP मेरे पास 2R है। इतना शानदार क्वेश्चन है भाई। पहली बात तो अगर इसका कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता हो ना तो हिलेगा भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका जो सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है वो मैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके लेके आऊँगा आपके पास, वरना विदाउट ट्रिग्नोमेट्री अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। तो बेटा मुझे पता है यहाँ पे OP कितना दे रखा है, 2R। मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जैसे ही बेटा मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैंने एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रखा है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर रखा है। इस एक्सटर्नल पॉइंट को अगर मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन कर रखा, देखिएगा आप पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ। सर्कल है ये हमारा, ये पहला टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाइयों ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना APO, और ये ट्राइंगल दिख रहा है BPO, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैंने मेरे वन शॉट में पूरी पिक्चर प्रूव करके बताई थी, जब मैंने आपसे कहा था एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने आपको कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ बराबर होती है। PA बराबर PB होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये कहानी, आपको पता है PA बराबर PB होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और सिखाई थी, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होता है, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाइयों, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APO, ये ट्राइंगल भैया कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, BPO के। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल दिस वन और ये एंगल दिस वन, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो भैया ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो ये तो मेरी पिक्चर क्लियर हो गई। इसके बाद अब मैं ट्राइंगल APO के अंदर, इन ट्राइंगल APO मैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूँ, मज़ेदार सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। इन ट्राइंगल APO मैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला हूँ मेरे भाइयों। मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पता है, मुझे यहाँ पे ये हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है APO। कैसे, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये एंगल कितना 90 डिग्री। 90 के सामने वाला OP क्या है, हाइपोटेनियस है। तो जैसे ही मैं इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और मुझे किसके बारे में पता है, हाइपोटेनियस के बारे में पता है। तो मुझे इस ट्राइंगल में दो चीज़ों के बारे में पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन लेके आता है, साइन। ट्रिग्नोमेट्री तभी तो लगेगी, एक भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना पड़ेगा, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में आएगा, साइन। तो मैं बोलूँगा साइन थीटा इक्वल टू OA अपॉन OP, साइन थीटा इक्वल टू OA अपॉन OP, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा। एंगल नहीं पता मैंने, थीटा मान लिया, साइन थीटा इक्वल टू OA अपॉन OP। OA कितना है बच्चों, OA है R, और OP है मेरे भाइयों 2R, R से R की ज़िंदगी ख़राब। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। मज़ा आ गया बेटा ट्रिग्नोमेट्री अगर याद आ रही हो तो, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है,
तो आप बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से पता लग गया कि थीटा की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मज़ा आ गया भैया ज़िंदगी का। अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये 30, तो ये भी 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया दोस्तों 60 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल आ गया मेरे पास 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करना एक मिनट के लिए। कौन सा ट्राइंगल? APB। देखना ये ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये तो रहा पी पॉइंट, पी से ये ए जा रहा, पी से ये बी जा रहा, ये पी है, ये ए है, ये बी है। आपने क्या बोला मेरे भाइयों कि ये एंगल कितना आ चुका है 60 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया एंगल कितना है 60 डिग्री। इससे पहले हमने बोला था एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ बराबर होती, हमने तो बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ बराबर होती है। तो PA किसके बराबर है? PA बराबर है PB के। तो भैया अगर इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल भी क्या आएंगे? इक्वल। PA के अपोजिट में कौन सा एंगल है? दिस वन। PB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? दिस वन। ये दोनों एंगल बराबर आएंगे। अब ये दोनों एंगल अगर बराबर आएंगे तो अगर मैं इसको y बोलता हूँ तो बेटा ये भी कितना आएगा? y। तो इस ट्राइंगल के अंदर जैसे ही आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आपको ज़िंदगी का मज़ा आने वाला है। आप लिखेंगे 60 + y + y मतलब 2y, तो मैं लिखूँगा 60 + 2y और इक्वल टू में क्या आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 60 + 2y = 180। अब मुझे यहाँ से 2y की वैल्यू निकालनी है, 60 उधर माइनस में जाएगा तो 2y = 120। अगर 2y 120 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। मज़ा आ गया, कमाल हो गया। y की वैल्यू 60 आ गई ना, इसका मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए। जिस ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, जो बच्चे ढंग से मेरी बात सुन रहे हैं उन्हें तो अभी से आंसर पता लग गया होगा। इस ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री आ चुका है, मैं जानता हूँ। जिस ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा ट्राइंगल APB, ये इसने जो कहा था वो टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, हम बोलेंगे दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओ मेरे भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया ये। तो ये क्या बन चुका है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है मेरे भाइयों। आया मज़ा? तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं।